साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत को याद करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूर्व पाकिस्तान की आज़ादी और बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। विजय दिवस को बांग्लादेश में विजय दिवस या बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की आधिकारिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जरूरी बातें। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की आवाज तब उठी जब पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाने लगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, उसने चुनावी परिणामों को भी कमजोर कर दिया था, जिसके बाद आजादी का संघर्ष शुरू हुआ। पूर्वी पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को आधिकारिक तौर पर आजादी की घोषणा की थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण समर्थन दिया था। पाकिस्तानी सेना के हाथों बंगालियों, मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ व्यापक नरसंहार मीडिया में भी दिखाया गया था। इसने लगभग 10 मिलियन लोगों को पड़ोसी भारत में प्रवास करने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, भारत ने बंगाल से आए शरणार्थियों के लिए भी अपनी सीमाएं भी खोल दी थी। 4-5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने ट्राइडेंट कोडनेम के तहत कराची बंदरगाह पर सफलतापूर्वक हमला किया। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर अपने सैनिकों को तैनात किया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हजार किलोमीटर के पाकिस्तानी क्षेत्र को सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 8,000 सैनिक मारे गए और 25,000 घायल हो गए, जबकि भारत के 3,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और 12,000 सैनिक घायल हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी गुरिल्ला पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना के साथ शामिल हो गए। भारतीय सेना ने उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए हथियार के साथ साथ और ट्रेनिंग भी प्रदान की थी। जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी के नेतृत्व में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध की समाप्ति के दौरान भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1972 के शिमला समझौते के तहत उन्हें वापस भेज दिया गया था। पाकिस्तान की लगभग एक तिहाई सेना पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। ये 13 दिवसीय भारत पाकिस्तान युद्ध 13 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था। इसी दिन तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सरकार के खिलाफ विद्रोह से शुरू हुआ था।